नमस्कार, आज बात करेंगे बालासन के बारे में। बालासन जो है वो एक बहुत ही सरल आसन है। बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस आसन को आसानी से कर सके ऐसा आसन है और योग में इस आसन को शीर्षासन के बाद करने की सलाह दी जाती है। लेकिन आप जब भी योग का अभ्यास करते हैं, बीच में आपको जब भी थकावट सी महसूस होती है तो आप इस आसन को करके रिलैक्स हो सकते हैं। तो बीच में भी आप इस आसन को कभी भी कर सकते हैं और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का दोहराव लाने की या तो बदलाव करने की जरूरत नहीं है। एक बार आसन लगा लिया तो आप अपनी क्षमता के अनुसार 3-5 मिनट तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। तो यहाँ दो शब्द हैं, बाल और आसन। बाल का अर्थ होता है बालक, बच्चा, आसन यानी कि मुद्रा। तो अक्सर जो बच्चे होते हैं वो घुटनों को मोड़कर इस तरीके से बैठे हुए नज़र आते हैं और माता के गर्भ में जो बच्चे हैं वो भी इसी पोज में नज़र आते हैं, इसलिए इस आसन को शिशु आसन भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको चाइल्ड पोज के नाम से भी जाना जाता है। अब ये आसन बहुत सरल ज़रूर है लेकिन इसके फायदे जो है वो बहुत ही बढ़िया है। तो बढ़ते हैं उसके फायदों की ओर। ये आसन रिलैक्सेशन का आसन है तो मन को पूरी तरीके से शांत करता है, दिमाग में जो भी स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है उसको दूर करता है, तनाव को पूरी तरीके से दूर करके आपके मन को मानसिक शांति देता है। और इस आसन से बार बार भूल जाना या दस्त कम होना ऐसी जो भी बीमारियाँ हैं उसको भी दूर करता है। और ये आसन मानसिक फायदों के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी काफ़ी सारे फायदे देता है। तो ये पैरों की सभी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, स्पाइन को लचीली बनाता है, स्पाइन को लंबी बनाता है, पोस्चर में सुधार लाने में भी मदद करता है और इससे पाचन से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है यानी कि पेट रोग होते हैं, आंतों का रोग होता है, कोलाइटिस जैसे जो भी समस्याएं होती है, कब्ज की समस्या होती है, ये सारी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है। इसमें देखे तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सर की ओर हो रहा है, इस वजह से ये चेहरे की जो झुर्रियां होती है उसको कम करता है और स्किन को ग्लो करने में भी ये मदद करता है। उसके अलावा लेडीज़ में देखिए तो पीरियड से रिलेटेड जो पेन होता है उसको भी ये दूर करता है। और ऐसे ही इस आसन के काफ़ी सारे फायदे हैं। तो जब आप इस आसन का अभ्यास करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियों को भी ज़रूर बरतना है, यानी कि आपको नी पेन है, बैक पेन है, अपर बैक का पेन है या तो नेक में पेन है, शोल्डर में पेन है, तो ऐसे हालात में आपको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए और करें तो किसी योग टीचर की देखरेख में ही करें। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसका अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको डायरिया की समस्या है तो ऐसे हालात में भी इसका अभ्यास ना करें और हमेशा इसका अभ्यास खाली पेट ही करें, यानी कि खाने के कम 3-4 घंटे के बाद ही इसका अभ्यास करें। तो इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखें। अब देख लेते हैं कि इस आसन को करना कैसे है। ये आसन वज्रासन समूह का आसन है तो सबसे पहले हमें वज्रासन लगाना है। तो देखिए दोनों पैरों को आगे खोलकर बैठ जाएंगे, इसमें एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे और उसकी जो एड़ी है उसको बाहर रखेंगे। देखिए वज्रासन के ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो है जहाँ पर वज्रासन करने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं पर भी पेन हो रहा है तब आपको कैसे वज्रासन करना चाहिए उसके बारे में वहाँ डिटेल से बताया है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए अक्सर लोगों को यहाँ पर पेन होता है कि ये जो एंकल है उसके नीचे पेन होता है, तो वहाँ आप ना इस तरीके से एक टॉवेल को फोल्ड करके रख सकते हैं कि जिससे ये पेन आपको ना हो और आप आराम से लंबे समय तक इसको फोल्ड कर पाए। तो ऐसे भी आप इस वज्रासन को कर सकते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं जो मैंने वज्रासन की वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। तो वज्रासन लगा लिया, अब दोनों अंगूठे मिले हुए हैं, एड़ियां खुली हैं, आगे से दोनों पैर जो है वो जुड़े हुए हैं। अब सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए देखिए स्पाइन को लंबा करना है कि लोअर बैक से नीचे की ओर झुके और हाथों को बहुत ज्यादा आगे स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। आपको हाथों को आराम से नीचे रखना है और दूसरा ध्यान ये रखना है कि जो गर्दन है उसको पूरी ऐसे मोड़ते हुए आपको नीचे नहीं ले जानी है कभी भी। आपकी गर्दन जो है वो पूरी ऐसे सीधी होनी चाहिए और सीधे रखते हुए ही आपको नीचे जाना है। तो आप जितना आराम से जा पाते हैं उतना ही जाइए और ज्यादा नीचे नहीं जा पाते हैं
तो आप ऐसे ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं कि जिसके ऊपर आपको अपना सर रख देना है। और अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप ऐसे तकिया या जो पीलो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके ऊपर भी आप अपना सर ऐसे आराम से रख सकते हैं और इस आसन को ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाते हैं। और अगर आपके पास ऐसे हालात है कि आपके पास अभी तकिया भी नहीं है और ब्लॉक भी नहीं है, तब आपको इस तरीके से अपने हाथों की मुट्ठी बनानी है और उसके ऊपर अपने सर को रख लेना है, लेकिन गर्दन को ऐसे मोड़ते हुए नीचे कभी नहीं ले जाना है कि जिससे आपकी ये जो गर्दन के मसल्स है उसमें और स्ट्रेचिंग हो जाए और पेन हो जाए। तो इस बात को खास ध्यान में रखिए और अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ रुकिए और फिर सांस को भरते हुए वापस से ऊपर आएंगे। अब दूसरा यहाँ पर ये होता है कि कई लोगों को शोल्डर में बहुत पेन होता है तो हाथों को ऐसे आगे स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाया और सांस को छोड़ते हुए देखिए दोनों हाथों को ऐसे पीछे की ओर रखना है, आगे की ओर स्ट्रेच नहीं करना है। और यहाँ पर हमेशा सपोर्ट के साथ इस आसन को कीजिए जिससे नेक में कोई पेन ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इस आसन को होल्ड कर पाए। इस तरीके से जिसको शोल्डर पेन है वो ऐसे करे और फिर सांस को भरते हुए वापस से ऊपर आए। ऐसे भी इस आसन को किया जाता है तो ये बहुत ही सरल है, आप ज़्यादा देर तक इसको होल्ड कर पाएंगे और जितना ज़्यादा होल्ड कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आप खुद को रिलैक्स भी फील कर पाएंगे। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही नए योगासनों को सीखने के लिए और योग से रिलेटेड जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।